हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं पिनेकल कर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। आइए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, और नया टॉपिक है हमारा कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो लगभग 15 मार्क का वेटेज ये आपके आने वाले एग्जाम में कवर करेगा, यानी कि आपका मध्य प्रदेश पटवारी का जो एग्जाम आने वाला है उसमें इस टॉपिक का वेटेज है लगभग 15 मार्क्स। तो अगर आप 15 मार्क्स को स्कोर करना चाहते हैं तो अभी जिस सीरीज चालू करी है मैंने कंप्यूटर साइंस की, और आगे वाली हमारी R&D टीम जो क्वेश्चन आपको दे रही है, यानी कि 300 से 400 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको कवर करके जाना है, और फिर आप एग्जाम में जाके देखेंगे कि डिफरेंस क्या क्रिएट होता है। यानी कि एग्जाम में जाके आपको जो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहाँ से जो 300 से 400 क्वेश्चन हम आपको देंगे उनसे ही बनेंगे। अगर देखिए, अगर आपके 15 नंबर फिक्स हो रहे हैं और आपके 300-400 क्वेश्चन आपको पढ़ना है तो कोई बड़ी दिक्कत वाला काम नहीं है। देखिए, अगर एक एग्जाम क्लियर हो जाता है तो बहुत मतलब बहुत बड़ी चीज हो जाती है। इसलिए आप सारे के सारे जो हमारे वीडियोस आने वाले सीरीज में उनको आपको जरूर देखना है, ताकि आप एग्जाम जब देने जाएं तो आपको कोई भी नया क्वेश्चन देखने ना मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और बात करेंगे आज हम कंप्यूटर साइंस की। और कंप्यूटर साइंस में भी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दूंगा, जो मैं आपको आंसर्स बताऊंगा उन आंसर्स का आपको एक्सप्लेनेशन भी ध्यान रखना है, और इसके अलावा जो उसमें ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इससे पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई ऑप्शन दिए हैं तो उन ऑप्शंस को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि इस ऑप्शन का क्या यूज होता है, ताकि उस ऑप्शन से अगर नया क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम हो गया है तो वो भी आप आंसर कर सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्या कहलाता है। तो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड का वेरिफिकेशन क्या कहलाता है? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है जब भी, जैसे अगर आपने फेसबुक खोला, फेसबुक में आपने लॉगिन आईडी डाला, पासवर्ड डाला, और फिर वहां से वो वेरीफाई करता है कि आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो सही है कि नहीं। इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है लॉग ऑथेंटिकेशन। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आपने एक वेबसाइट को खोला pinnacle.edu.in, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, उस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज क्या कहलाती है? एक्सेसिबिलिटी। या फिर आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जैसे मैं किसी सॉफ्टवेयर को सेटअप कर रहा हूँ, मान लीजिए मुझे कोई वीडियो रिकॉर्डर को सेटअप करना है। अब मैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन में क्या सेट कर सकता हूँ कि मुझे किस स्क्रीन के लिए चाहिए, किस आउटपुट, किस हिसाब का आउटपुट चाहिए, तो ये चीज क्या कहलाती है? कॉन्फ़िगरेशन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का मतलब क्या होता है? फोर्ट्रान का मतलब होता है फॉर्मुला ट्रांसलेशन लैंग्वेज। तो फॉर्मुला ट्रांसलेशन इज अ बेसिकली अ टाइप ऑफ लैंग्वेज जो पहले यूज होती थी, आजकल मेनली इतने ज्यादा यूज में नहीं है। फॉर्मुला ट्रांसलेशन इज अ बेसिकली अ लैंग्वेज। तो इसमें क्या होता था, जैसे पहले जो साइंटिफिक फॉर्मुले थे वो आपको इस लैंग्वेज में आप यूज कर सकते थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ हायरार्किकल डेटाबेस। हायरार्किकल डेटाबेस की सबसे महत्वपूर्ण कमी क्या है? देखिए, एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर इंग्लिश वाले क्वेश्चन आप बता रहे हो। देखिए, अगर आप ये ट्रेंड को ऑब्जर्व करो तो हायरार्किकल डेटाबेस को हायरार्किकल डेटाबेस ही बोला जाएगा कंप्यूटर लैंग्वेज में, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाने वाला जब क्वेश्चन को फ्रेम करता है तो वो कॉमन टर्म का यूज करता है। ऐसा नहीं है कि हायरार्किकल डेटाबेस को कोई हिंदी में स्पेसिफिक टर्म में वो आपको कन्वर्ट करके देगा। तो इसलिए जो मेनली जो टर्म यूज होती है वो आपको याद रखना है। जैसे लिमिटेड कैपेसिटी, तो लिमिटेड कैपेसिटी को मैं बता सकता हूँ कि सीमित क्षमता इसका मतलब होता है, लेकिन हायरार्किकल डेटाबेस इज अ मेनली अ टर्म। तो यहाँ पर टर्म यानी कि वही टर्म यूज होगी आपके एग्जाम में एज इट इज। तो हायरार्किकल डेटाबेस की लिमिटेशन क्या होती है? हायरार्किकल डेटाबेस की लिमिटेशन क्या होती है? हायरार्किकल डेटाबेस में पूरी की पूरी हायरार्की फॉलो होती है। यानी जैसे मैं मुझे एक स्टूडेंट का डाटाबेस बनाना है तो पहले मैं स्टूडेंट के नाम वगैरह बनाऊंगा, नाम वगैरह की लिस्ट बनाऊंगा, फिर उस डाटाबेस के अंदर पूरी की पूरी स्टूडेंट की सारी डिटेल्स डालूंगा। तो मान लीजिए अगर आपको ऐसा सर्च करना है कि अगस्त में किस स्टूडेंट का जन्म हुआ, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा अगस्त जाके आपने अगस्त में सर्च कर लिया। आपको पर्टिकुलर पहले पूरी स्टूडेंट की लिस्ट के थ्रू होके ही आप उसकी डेट ऑफ बर्थ के पास पहुंचोगे। तो वो तो एक हायरार्की आपको फॉलो करना पड़ती है। तो इसकी लिमिटेशन क्या होगी कि लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सेसिंग द डाटा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरस वी शुड इंस्टॉल। कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए हम क्या इंस्टॉल करना चाहिए? इसके लिए हम इंस्टॉल करना चाहिए एंटीवायरस। और एंटीवायरस के अलावा अगर मैं बाकी ऑप्शन के संग में आपके संग में बात कर लूं तो डिस्क क्लीनअप का मतलब क्या होता है? डिस्क क्लीनअप एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि उन फाइल्स को रिमूव करता है जो कि अनवांटेड है, या फिर जंक फाइल्स हैं। जंक फाइल्स को रिमूव करने के लिए डिस्क क्लीनअप यूज होता है। या फिर डिस्क डिफ्रेगमेंटर की अगर हम बात करें तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर किस लिए यूज होता है? तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर यूज होता है जैसे अगर आपकी पूरी की पूरी डिस्क है जिसमें बहुत छोटी छोटी सी फाइल स्टोर हो गई है,
और उनका कुछ कुछ स्पेस बाकी है, तो उन फ्रेगमेंटेशन को हटाने के लिए हम डिस्क डीफ्रेगमेंटर का यूज करते हैं। यानी कि ओवरऑल जो आपकी पूरी की पूरी मेमोरी ब्लॉक था वो फ्रेगमेंटेड हो गया, यानी छोटे छोटे पार्ट उसके बच गए, उन पार्ट्स का कोई यूज नहीं है। तो पूरी के पूरे छोटे छोटे पार्ट्स को हम बचा के अपनी मेमोरी को बचाने के लिए हम डिस्क डीफ्रेगमेंटर का यूज करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज है जो ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं हो सकती, तो उसमें से एक स्पेस एक ऐसी चीज है जो ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं हो सकती, अंडरस्कोर एट द रेट साइन डॉट, ये तीनों के तीनों ईमेल एड्रेस का पार्ट होती हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्लास क्या होती है। देखिए अगर आपने कभी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा हो तो दो टाइप की लैंग्वेज मेनली कंप्यूटर में यूज होती है, एक होती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्लास इज अ बेसिकली अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी यूज करोगे तो उसमें आपको बेसिकली क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा। यानी कि जैसे आपने बनाई क्लास स्टूडेंट, अब क्लास स्टूडेंट के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे और फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी एलोकेट करोगे, लेकिन आपको बनाना क्या पड़ेगी, इंडिविजुअल क्लास बनाना पड़ेगी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आप वर्क करते हो तो आपको क्लास बनाना पड़ती है। तो क्लास इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अ कम्युनिकेशन पाथवे दैट ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड। यानी कि एक ऐसा कम्युनिकेशन पाथवे जो एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफर करता है उसे क्या बोलते हैं, लिंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिंक बोला जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हेन अ पेज फॉल्ट अकर्स बिफोर एन एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट देन। अगर एक पेज फॉल्ट अकर हो रहा है किसी एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट, किसी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन चल रहा था उससे पहले ही कोई पेज फॉल्ट आ गया तो क्या करना चाहिए। देखिए पेज फॉल्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए इस चीज को क्योंकि बहुत टेक्निकल टर्म है। देखिए जैसे अगर आपके पास छोटी सी मेमोरी ब्लॉक है, मेमोरी ब्लॉक में आप समझिए जैसे आपके पास बस 500 MB की मेमोरी है और 500 MB की मेमोरी में आप चाह रहे हो कि आप 1 GB का सॉफ्टवेयर रन कर लो। अब यार देखो पॉसिबल तो नहीं है कि 500 MB की मेमोरी में 1 GB का सॉफ्टवेयर रन हो जाए, लेकिन फिर भी हमें रन तो करना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर में टास्क तो आपको करना ही पड़ेगा कंप्लीट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो पूरा का पूरा आपका 1 GB का सॉफ्टवेयर था, तो ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर का हर फंक्शन एट अ टाइम सारी की सारी चीजें यूज हो रही हो, तो हम क्या करते हैं पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर जो 1 GB का सॉफ्टवेयर था उसको हमने छोटी छोटी फाइल्स में डिवाइड कर लेते हैं जिनको बोलते हैं पेज फाइल्स। तो पेज फाइल जैसे आपने 100 MB की उसको 10 पेज फाइल्स में डिवाइड कर दिया पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को, तो जब जिस चीज की जरूरत पड़ी, मान लीजिए मुझे कोई फंक्शनैलिटी की जरूरत पड़ी, तो उस टाइम पे वो 100 MB की फाइल उठा के हम अपनी 500 MB की मेमोरी में रन करा लेते हैं ताकि हमें पूरे का पूरा 1 GB का सॉफ्टवेयर रन ना कराना पड़े। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है पेजिंग। यानी कि आपने प्रोसेस को पेज में डिवाइड कर दिया और फिर आप उसको रन कराने की कोशिश कर रहे हो। अब लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने एक फंक्शनैलिटी अभी यूज कर रहे हो और तुरंत आपने दूसरी फंक्शनैलिटी खोल दी, तुरंत आपने तीसरी फंक्शनैलिटी खोल दी, तो ओवरऑल क्या होता है एक पेज हटता है दूसरा पेज आता है, एक पेज हटता है फिर दूसरा पेज आता है, तो इसमें क्या होता है कि जल्दी जल्दी में क्या हो जाता है ओवरऑल एक पेज फॉल्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पेज फॉल्ट। तो जब भी पेज फॉल्ट आपके सिस्टम में हो जाए या फिर इस पूरी की प्रोसेस को एक पेज हटा के दूसरे प्रोसेस पेज डालने की प्रोसेस को बोला जाता है थ्रैशिंग, और कभी भी आपके प्रोसेस में पेज फॉल्ट हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन या पूरी प्रोसेस को रीस्टार्ट कर देना चाहिए, यानी कि शुरू से आप चालू कर दो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर को हार्म करे, तो इनमें से कौन सा एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर को हार्म करेगा, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मैकएफी इज एन एग्जांपल ऑफ, मैकएफी किसका एग्जांपल है, तो मैकएफी इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंटीवायरस, एंटीवायरस का एग्जांपल है, मैकएफी का एक एंटीवायरस आता है। इसके अलावा नॉर्टन का भी एक एंटीवायरस आता है, वस्ता का भी एक एंटीवायरस आता है, तो सारे के सारे कॉमनली यूज्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जैसे नेट प्रोटेक्टर भी एक एंटीवायरस है, कोई खेल भी एक एंटीवायरस है, तो ये सारे के सारे क्या आपके एंटीवायरस है। बैंकर्स एल्गोरिदम फॉर रिसोर्स एलोकेशन डील्स विद, तो बैंकर्स एल्गोरिदम का क्या यूज होता है, तो बैंकर्स एल्गोरिदम का क्या यूज होता है, डेडलॉक अवॉइडेंस में, डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए बैंकर्स एल्गोरिदम यूज होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मोस्ट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू हैंडल लार्ज प्रॉब्लम, लार्ज प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए कौन सी चीज ऐसी होती है पूरी पूरी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे ज्यादा इस चीज को अफेक्ट करती है, तो डाटाबेस इंजन की जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स वो हैंडल कर सकेगा, तो इसमें कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है इस चीज को, डाटाबेस इंजन।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द बाइनरी सिस्टम यूजेस द पावर ऑफ, बाइनरी सिस्टम कितने की पावर यूज करता है, तो बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है पावर ऑफ टू। बाइनरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ टू। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम, मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, तो मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। रैम इज, रैम क्या होती है, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे आप रैंडमली एक्सेस कर सको, यानी कि जब भी आप कंप्यूटर को चला रहे हो तो ओवरऑल कुछ ना कुछ ऐसा डाटा है जो रैंडमली कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है, तो उसके लिए क्या यूज होती है, रैम। लेकिन अगर आप डाटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो तो उसे आपको रोम में यूज कर स्टोर करना पड़ेगा, या फिर हार्ड डिस्क में, किसी भी परमानेंट स्टोरेज वाले डिवाइस में आप उसको स्टोर कर दो। लेकिन रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच लैंग्वेज इज द कंप्यूटर वर्क इन, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज में काम करता है, तो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में काम करता है, और मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझ पाता है। इसलिए अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हो, यानी कि जैसे अगर आपने C++ में प्रोग्राम लिखा, जावा में प्रोग्राम लिखा, तो उसे भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ओवरऑल कन्वर्जन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंपाइलर का यूज करते हैं। तो कंपाइलर का क्या काम रहता है, जैसे अगर मान लो आपने C++ में प्रोग्राम लिख दिया, उस C++ के प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम क्या कौन करता है, कंपाइलर करता है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपैरिजन, कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन के लिए कंप्यूटर का कौन सा पार्ट यूज होता है, तो कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन के लिए कंप्यूटर का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वाला पार्ट यूज होता है, क्योंकि अर्थमेटिक का मतलब होता है कैलकुलेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर का जो कि सारे के सारे वो फंक्शन कर सके जो कैलकुलेशन और कंपैरिजन से रिलेटेड है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, प्रोसेस क्या होती है। देखिए प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अगर कोई प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में चल रहा है तो पूरे के पूरे प्रोग्राम को क्या बोलेंगे, प्रोसेस। यानी कि एट अ टाइम, अगर आपका कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में रन हो रहा है उसे क्या बोला जाता है, प्रोसेस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इफ अ कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नोन एज, अगर कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रोसेसर है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है मल्टी प्रोसेसर। क्या बोला जाता है, मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर का मतलब होता है एक से ज्यादा प्रोसेसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर टू क्लोज अ टैब ऑफ अ ब्राउजर, यानी कि ब्राउजर के टैब को क्लोज करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो अगर आपको पर्टिकुलर टैब क्लोज करना है ब्राउजर का तो आप क्या यूज करोगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हाउ आर डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज रहता है, तो स्प्रेडशीट में पूरा का पूरा जो डाटा ऑर्गेनाइज रहता है वो रहता है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला था, और इनमें आगे भी ये पूरी की पूरी सीरीज मैं कंप्लीट करूंगा ताकि आपको कोई नया क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने ना मिले और एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बाकी हमने जो पटवारी से रिलेटेड वीडियोज डाल के रखे हैं, एसआई से रिलेटेड वीडियोज डाल के रखे हैं, एमपी बैंकिंग से रिलेटेड सारे वीडियोज डाल के रखे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, और इसके अलावा अगर आप हम चाहते हो कि आप हमारी किसी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।